वेलकम बैक टू दी चैनल। बड़े दिनों बाद एक फिर से नया मेंबर घर पे आए तुमने जा रहा है। तो हम लेने वाले हैं आज एक नई गाड़ी की डिलीवरी। कौन सी गाड़ी है और कहाँ से ले रहे हैं, कितने की ले रहे हैं, वो हम आपको पहुँच के बताएंगे शोरूम पे। तो फिलहाल हम पहुँचने वाले हैं हुंडई के शोरूम पे। साथ हैं भैया और पीछे भाभी और बच्चे, है ना। तो फाइनली नई कार, CNG इतनी महंगी हो गई है इसलिए डीजल वाली गाड़ी ले रहे हैं। तो आप पहुँचने वाले हैं शोरूम पे, तो चलो मिलते हैं आपको सीधा शोरूम पे। तो पहुँचते पहुँचते हमें बज गई है 6, है ना। हुंडई के शोरूम पे आए हैं, नई गाड़ी ले रहे हैं डीजल वाली, है ना। कौन सी ले रहे हैं अभी डिलीवरी पे पता चलेगा। सारा काम हो गया है, बस 2-4 पेपर साइन करने हैं, उसके बाद हमें गाड़ी मिल जाएगी। बच्चे टू मच एक्साइटेड हो डिलीवरी के लिए। भाभी मैचिंग करके आइए गाड़ी के साथ भाभी मैचिंग करके आइए गाड़ी के साथ। भैया भी थोड़ी थोड़ी कराए हैं, मैं भी कराया हूँ थोड़ी थोड़ी तो फाइनली हमारी गाड़ी रेडी है डिलीवरी के लिए। बस कुछ मिनट और डिलीवरी मिलने वाली है। तो डी गाड़ी फॉर न्यू कार। ये खाना है, लवर खाना है, ये कभी आपके है। पैसे में एक चाबी आपकी है। तो बहुत बहुत मुबारक हो गाड़ी की। अब फटाफट लॉन्ग ड्राइव पे लेके चलेगी, भाभी चलाएगी गाड़ी। बिल्कुल। तो वेलकम बैक टू दी चैनल। मतलब गाड़ी आ गई, डिलीवरी भी ले ली। तो जो गाड़ी का प्राइस है ना, वो लगभग हमें पड़ा 12,58,000 रुपये के आसपास। इस 12,52,000 रुपये के आसपास इसमें क्या था कि 10,90,000 रुपये के आसपास इसका शोरूम प्राइस था। डीजल गाड़ी ली है हमने क्रेटा की, ये वाला जो मॉडल है ई मॉडल है, बेस मॉडल है। 10,91,000 रुपये इसका शोरूम प्राइस था, एक्स शोरूम प्राइस था। और लगभग 91,000 हमारे सोनीपत रजिस्ट्रेशन के लगे, 50,000 के अराउंड इंश्योरेंस था, फिर उनका एक जो एक कोटिंग कर ली उन्होंने, रबर की कोटिंग कर ली एक, वो था। और एक 6,000 रुपये उन्होंने एसेसरी के लिए, जिसमें हमें गाड़ी का कवर मिला, मैट मिले, एक मूर्ति मिली। क्या मूर्ति, तो उनके पास थी नहीं, टूटी हुई थी, और हम लेट हो गए थे तो स्टोर बंद हो गया था। तो 12,52,000 रुपये के आसपास हमें ये गाड़ी पड़ी। और गाड़ी हमने ली पलवल से, और बाकी फ़ीचर आपने देखे वीडियोस के अंदर। इसके अलावा अभी भी एक आधी वीडियो हम इस पर और बनाएंगे, जिसमें सारे फ़ीचर वगैरह सब बता देंगे। बाकी ठीक है, गाड़ी चलाने में पिकअप वगैरह काफ़ी अच्छा है। गाड़ी का एवरेज भी अभी तक 15-16 के अराउंड आ गई है। बाकी देखो, अभी थोड़ी चलेगी, इंजन थोड़ा सा रवा होगा, तो उसके बाद अच्छी थोड़ी एवरेज आएगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी इस गाड़ी के बारे में या फिर हमारी कैरेंस के बारे में कुछ भी आपको जानना हो तो वीडियो में कमेंट करना, उसके ऊपर हम पूरी वीडियो बनाएंगे। तो कैरेंस की फ़र्स्ट सर्विस आने वाली है, बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो उस फर्स्ट सर्विस कराने जाएंगे, देखते हैं कितनी पेड सर्विस में हमारे कितने पैसे लगते हैं। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में, बने रहो मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।